चौथे और पांचवें चरण के उम्मीदवारों के लिए नामों पर नई दिल्ली में कोर कमेटी का मंथन। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री समेत वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिया अन्न संकल्प, कहा किसानों के हित में सरकार बनने पर उठाएंगे सभी कदम, सभी फसलों पर लागू होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कांग्रेस मुद्दों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने भी कहा प्रदेश की बेहतरी ही उनका है मुद्दा। और कोविड 19 प्रबंधन की स्थिति का लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं जायजा। एक अनुमान के अनुसार 19 जनवरी तक प्रदेश में कोरोना पीक पर, जबकि मार्च तक इसके तेजी से खत्म होने के आसार। घने कोहरे के चलते प्रदेश में गड़बड़ाया आम जनजीवन, जबकि गलन से लोगों को छूटी कपकपी। मौसम विभाग का अनुमान अगले 48 घंटे तक बना रहेगा ऐसा ही मौसम। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री, समाचार विस्तार से। पंजाब में सियासी दलों की मांग के बाद चुनाव आयोग ने वहां मतदान की तारीख में परिवर्तन कर दिया है। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होगा। इस बीच पांचों चुनावी राज्यों में जमकर प्रचार और बैठकों का दौर देखने को मिला है। भाजपा की दिल्ली में अहम बैठक में प्रत्याशियों के नामों से लेकर रणनीति पर चर्चा हुई, तो कांग्रेस समेत तमाम अन्य दलों की बैठकों का दौर दिनभर जारी रहा। उत्तर प्रदेश के चौथे और पांचवें चरण के उम्मीदवारों के नाम पर बैठक में मंथन किया गया। कोर ग्रुप की बैठक आज भी होगी, जिसमें बाकी बचे चरणों के लिए उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की जाएगी। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल सहित सभी प्रमुख नेता सोमवार से ही दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। कि सियासी दलों की मांग को देखते हुए चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पहले यह मतदान 14 फरवरी को होना था, लेकिन अब 20 फरवरी को होगा। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 25 जनवरी 2022 ट्यूसडे का होगा। लास्ट डेट फॉर नॉमिनेशन है 1 फरवरी 2022 ट्यूसडे का होगा, और डेट ऑफ स्क्रूटनी 2 फरवरी 2022 वेंसडे की होगा, और डेट ऑफ विथड्रॉल 4 फरवरी 2022 फ्राइडे की होगा। इससे पहले लगभग सभी पार्टियों ने चुनाव आयोग से पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 14 फरवरी को होने वाले मतदान को कुछ दिनों के लिए स्थगित करने को कहा था। पार्टियों का कहना था कि राज्य के दलित समुदाय के बहुत से लोग संत रविदास के जयंती पर वाराणसी जाएंगे। रविदास जयंती 16 फरवरी को है, सभी दलों ने इसका स्वागत किया है। चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि रविदास जयंती भी थी और सब लोगों की इच्छा थी कि ये जो डेट है थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। ये प्रशंसनीय है और मैं इसकी पुरजोर हिमायत करता हूं। उधर पांचों चुनावी राज्यों में सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सोमवार को दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का पंजाब के कोर ग्रुप के साथ चुनावी मंथन हुआ, जिसमें पार्टी की रणनीति और टिकटों के आवंटन पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि पंजाब में बीजेपी का इस बार अमरिंदर सिंह की पार्टी से भी गठबंधन है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत, दुष्यंत गौतम, अश्विनी शर्मा, तरुण चुग, हरदीप सिंह पुरी, बीएल संतोष समेत बड़े नेता शामिल हुए। जो हमारा प्रोसीजर है, जो हमारा काम करने का तरीका है, उसमें जो लिस्ट पंजाब की जो बॉडी है वो डिसाइड करती है, पहले पंजाब का जो स्टेट इलेक्शन बोर्ड है, उसके बाद राष्ट्रीय इलेक्शन बोर्ड के सामने आई है और अब वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएगा। मैं तमाम बड़ी पार्टियों ने इलेक्शन बोर्ड में देना है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएगा, तब आपको सब कुछ बताएंगे। देर शाम यूपी के बड़े नेताओं ने भी शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। उधर लखनऊ में कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 300 सीटें जीतने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक कमल खिलाकर के फिर से उत्तर प्रदेश में जो सुशासन और विकास का पर्याय बन चुकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। मैं आज यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी जो गुब्बारे में हवा एक तरह से भर जाती है वो हवा निकलने वाली है।
वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लखनऊ में प्रेस वार्ता की और अपने घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले विषय को सामने रखा और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पार्टी कल पंजाब में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेगी। पंजाब के सीएम चेहरे का कल 12 बजे ऐलान किया जाएगा। उधर उत्तराखंड में भी राजनीतिक उठापटक चालू है। भाजपा ने हरक सिंह रावत को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, अब वो कांग्रेस के संपर्क में है। हरक सिंह ने सार्वजनिक रूप से मीडिया में बयान दिया कि वो अब कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार लाने के लिए काम करेंगे, अगर बात नहीं बनी तो निस्वार्थ रूप से कांग्रेस की सरकार लाने के लिए कार्य करेंगे। हालांकि कांग्रेस में उनको लेकर अभी एक राय नहीं है। हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें, लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है और न मुझे उन्होंने ज्वाइन करना चाहते इसकी जानकारी। उत्तराखंड में कांग्रेस को आज एक बड़ा झटका लगा है। नैनीताल से पूर्व विधायक और महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य अपने बगावती सुर के बाद अब भाजपा में शामिल हो गई हैं। सरिता जी ने कहा कि महिला शक्ति का और महिला वर्ग का कांग्रेस ने उपेक्षा की है, इसलिए वो यहाँ। इस बीच गोवा में भी जहां राजनीतिक दल अपने पक्ष में माहौल बनाने में लगे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग भी अपनी पूरी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगा है। गोवा में इस बार हमने कोविड को ध्यान में रखते हुए हमने पोलिंग बूथों की संख्या बढ़ाई है। पिछले 2017 के चुनाव से अभी तक में 80 चुनाव बूथ हमने बढ़ा दिए हैं मतदान केंद्र, और हमारा जो एवरेज वोटर साइज है एक बूथ पे वो है 672। पांचों राज्यों में कोरोना के मद्देनजर चुनाव आयोग ने विशेष गाइडलाइन जारी की है, जिसके चलते इस बार प्रचार का स्वरूप बदल गया है। इस लिहाज से सभी दल अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी आमद ज्यादा से ज्यादा करने में लगे हुए हैं।